नमस्कार, सुप्रभात मेरी प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम न्यू व्यंजन की पहचान करने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक के व्यंजन को लर्न कर लिया है? ये देखो, ये है व्यंजन या से यज्ञ, या से यमराज। फिर या के बाद कौन आता है? ये तो है व्यंजन रा। रा से रस्सी, रा से रथ, रा से रात। फिर ये है व्यंजन ला। ला से लट्टू, ला से लड्डू, ला से लाल कलर। और फिर आता है, ये तो है व्यंजन वाह। कौन है ये व्यंजन? व्यंजन वाह। तो आज हम इसकी पहचान करेंगे, ठीक है? तो ये कौन सा व्यंजन है? ये तो है व्यंजन वाह। कौन है ये? वाह। तो अभी हम देखेंगे व्यंजन वा से क्या क्या होता है। ये देखो, ये तो बहुत ही आसान है ना। ये स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड ये कर्व बना हुआ है। तो ये कौन सा व्यंजन है? ये तो है व्यंजन वा। कौन है ये व्यंजन? व्यंजन वा। तो ये देखो, ये तो है वा से वक। कौन है ये? वा से वक। ये देखो, वाइट कलर की होती है, ग्रे कलर की होती है, इसकी बी कितनी लंबी लंबी होती है। तो ये कौन है? ये तो है वासे वक। कौन है ये? वक। मेरे साथ में बोलो वक। फिर ये देखो, ये कौन है? ये तो है वकील। कौन है ये? वकील। वकील होते हैं ना, जो केस को लड़ते हैं, जब कुछ हो जाता है तो कोर्ट में जाते हैं। फिर कोर्ट में कौन होते हैं? कोर्ट में तो वकील होते हैं। ये कौन है? वकील। इनको एल फॉर लॉयर भी कहते हैं ना। यस, एल फॉर लॉयर भी कहते हैं और बॉस से वकील भी कहते हैं। ओके, एंड ये देखो, ये तो है वासे वट वृक्ष। क्या है ये? वासे वट वृक्ष। वट वृक्ष मीन्स बनियान ट्री, इसको हम लोग बनियान ट्री भी कहते हैं ना। और हिंदी में तो वासे वट कहते हैं। क्या है ये? वट। कौन सा? बहुत बिग बिग होता है ये। कौन है ये? वट वृक्ष। मेरे साथ में बोलो वट वृक्ष। ये देखो, वासे वन। वासे वन, वन मीन्स जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होते हैं, एनिमल्स रहते हैं। ये देखो, ये लॉयन, टाइगर, जेब्रा, जिराफ, ये सभी कहाँ पे रहते हैं? ये तो रहते हैं वासे वन में। कहाँ रहते हैं? वन में। तो ये है वासे वन। वासे वन। एंड ये कर ले, देखो ये क्या कर रही है? ये तो अपना वजन ले रही है। वजन मीन्स वेट होता है ना सभी का। जैसे जब हम कोई सामान लेने जाते हैं मार्केट में, तो फिर वो तराजू से तौल के देते हैं ना, तो वो उसका क्या करते हैं? वज़न करते हैं। क्या करते हैं? वासे वज़न करते हैं। एंड हमारा भी वज़न होता है ना, कोई बहुत हैवी होता है, कोई बहुत लाइट होता है। जिसका ज़्यादा वज़न होगा वो हैवी होगा, और जिसका लाइट वज़न होगा वो हल्का होगा। तो ये क्या कर रही है? ये तो वासे वज़न कर रही है। ओके, तो अभी हम व्यंजन वा को लिखना सीखेंगे। तो देखो, वा कैसे बनाते हैं? ये बहुत ही आसान है। ये कौन सा व्यंजन है? ये तो है व्यंजन वा। तो फर्स्टली आपको क्या करना है? इस टाइप से ड्रॉ स्टैंडिंग लाइन। फिर ये, अरे ये तो उल्टा पी बन गया, उल्टा पी बन गया ना। अभी इसमें स्लीपिंग लाइन लगा देंगे। तो ये कौन बन गया? ये तो बन गया वा से वक। फिर से ये स्टैंडिंग लाइन, और ये देखो इस टाइप से कर्व बना दिया, और ये स्लीपिंग लाइन लगा दी। तो ये कौन बन गया? ये तो बन गया व्यंजन वा। फिर से कैसे बनाते हैं? स्टैंडिंग लाइन, फिर ये कर्व। तो ये उल्टा पी बन गया ना, अभी इसमें स्लीपिंग लाइन लगा दी। स्टैंडिंग लाइन, कर्व, ये उल्टा पी बन गया, फिर इसमें स्लीपिंग लाइन लगा दी। ये स्टैंडिंग लाइन और ये कर्व और ये स्लीपिंग लाइन लगा दी। ये कौन सा व्यंजन बन गया? ये तो बन गया व्यंजन वा। तो बासे वक, बासे बरांडा, वासे वजन, बासे वह, वासे बर, बासे बन। तो इसी तरह से आपको भी इसकी पहचान करनी है और अपनी नोटबुक में राइट करना है। ठीक है, बाय, हैव अ गुड डे।